नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जरूर कोई बुरी खबर हुई आशु जी, अब भूल जावा, सो ही गवा, सो ही गवा। काहे रो रहा है रे बिटवा, का हुई गवा है? जब तक आप बतायो नहीं कैसन मालूम पड़ी, मगर भी करना ही। अब हम अपनी छाती मजबूत कर लिए है, बताइयो दो। अरे हम ही कह की खातिर आ रहे कि गवन वाक की जो कल की तारीख रही ना। कमीज़ रे। अरे क्या समझ गया रे? पूरे एक साल की छुट्टी हो ही गई। अरे नहीं रे, कल का तारीख पक्की समझो। पक्की? सच्ची? मतबल? मतलब ही कि अब तुम डोली ओली का इंतजाम कर ही लियो, आके अपनी दुल्हनिया को ले जाओ। अरे हमार सासू जी, हमार गवनवा की तारीख पक्की हुई गई, हमार गवनवा की तारीख पक्की हुई गई। नेहा, कल तक मैंने तुम्हें सिर्फ एक सिंगिंग स्टार के रूप में देखा था, लाखों हजारों की भीड़ में मैं भी एक था, तुम्हारे गीतों का दीवाना। लेकिन आज मैं तुम्हारे दिल में हूँ नेहा। ये सब एक सपना सा लगता है नेहा। आज मेरे लिए गीत गाओ ना, सिर्फ मेरे लिए, प्लीज नेहा। राजा भैया। अरे सुन रहा है, निमंत्रण तोरी मेम साहब के लिए भी है, कल टाइम पर आ जाना, हम दावत है। ऐ ससुर डैमफुल, हमारा गौना कब हुई रे? व्हाट इज दिस ठेंगा ठेंगा? नो ननद फुल गिनवा के भरी है पानी, ननद फुल गिनवा के भरी है पानी, साधु हमारी महलों की रानी, साधु हमारी महलों की रानी, ससुर सुबे दरबार के भरी है पानी, ससुर सुबे दरबार के भरी है पानी। तो बहुत मजा आएगा नहीं? अरे राजा भैया, अरे तेरी आवाज को क्या हुआ रे? गाने के दे? नहीं 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 शर्ट फटा फटा। अच्छा चले बोलो चले बोलो। अरे हमार चमिया नेहा जी की गाय का गीत फरमाइश करत है। अरे हाँ नेहा, एक गीत सुना ना। हाँ नेहा, कम ऑन नेहा। ये वो लोग हैं जो शहर आकर महंगे महंगे टिकट खरीद कर शायद तुम्हारे गीत कभी ना सुन सकें। प्लीज इनका दिल रख लो। देखो आज मेरे दोस्त की जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी का दिन है। पप्पो, तुम तो हाथ धोकर पीछे पड़ गए हो, कहा ना मैं नहीं गा सकती। ना प्रॉपर साज है, ना रिदम और ना ही रेसल। यार ये तुम कैसी बातें कर रही हो? देखो एक प्यार का माहौल बना हुआ है, दो लाइनें गुनगुनाने में तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? नेहा प्लीज प्लीज नेहा, मेरी बात रख लो नेहा। आई एम सॉरी, मैं नहीं गाऊंगी। नेहा नेहा रुको, नेहा मेरी बात सुनो।
नेहा, ये सब क्या तमाशा है? आज तुमने सारे गांव वालों के सामने मेरी बेइज्जती करवा दी। अरे इतना मनाने पर तो पत्थर भी पिघल जाता है, अगर तुमने तो आज हम तो पत्थर दिल से भी गए गुजरे हैं। ये तुम्हें क्या हो गया है नेहा? भगवान के लिए इस वक्त यहाँ से चले जाओ। ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात सुननी ही होगी नेहा। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम्हें उन सब लोगों को भी इज्जत देनी होगी जो प्यार के एक बोल पर अपनी जान तक निछावर करने को तैयार रहते हैं। उनके सुख दुख में इस वक्त हम तुम्हारा भाषण सुनने के मूड में नहीं है। प्लीज लीव मी अलोन। नेहा, तुम्हें मेरी इस बात का जवाब देना ही होगा। तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? क्यों क्यों क्यों? इसलिए कि यह हमारे लिए मुमकिन नहीं था। इसलिए क्योंकि हम वो साज है जिसकी तारें टूट चुकी है, और इसलिए क्योंकि अब हम गा नहीं सकते। मगर ये सब अचानक हुआ कैसे? मैंने तो तुम्हारे सारे प्रोग्राम देखे हैं, बस एक आखिर को छोड़कर। वही मेरी जिंदगी का आखिरी प्रोग्राम बनकर रह गया, मेरे सुरों के सफर का अधूरा गीत। बताओ मुझे क्या हुआ था उस दिन, बताओ नेहा, बताओ। उस दिन मैं पापा की बात नहीं रख सकी राजा, नहीं रख सकी। नहीं नेहा, नहीं, मन छोटा मत करो। डॉक्टर ने ये तो नहीं कहा कि तुम अब कभी गा ही नहीं सकती? इधर देखो, मेरी तरफ देखो। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ, मगर इंसान मन से चाहे कोशिश करे तो दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं जो नामुमकिन हो। तुम्हें कोशिश करनी होगी नेहा, तुम्हें कोशिश करनी होगी। अब इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं जिंदगी में गा पाऊंगी या नहीं ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। लेकिन जब तक मुझे तुम्हारा प्यार नहीं मिला था तब तक मैं अपने आप को बहुत अकेली महसूस करती थी। लेकिन अब मुझे तुम्हारे प्यार के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। ये तुम कैसी बातें कर रही हो नेहा? भगवान की दी हुई कला को नष्ट करने का तुम्हें कोई हक नहीं। आज भी तुम्हारी जगह वही है जहां तुम्हें सुनने और तुम्हें देखने के लिए मेरी आंखें तरसती थी। तुम्हें गाना होगा नेहा, तुम्हें गाना होगा। तुम समझते क्यों नहीं? मैंने कह दिया ना कि अब मैं नहीं गा सकती, और अब मुझे कीचड़ में जाने का कोई शौक नहीं जहाँ हैरी जैसे घिनौने जानवर बसते हैं। और प्लीज मेरे सामने मेरे गुजरे हुए कल का जिक्र कभी मत करना। राजा, जिस किसी से भी पूछो तो यही जवाब मिलता, पता नहीं तुम्हारे बिना मेरी क्या हालत हुई, तुम्हें क्या पता। अच्छा चलो आज कहीं घूम आए, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। नेहा, तुम क्या समझती हो मुझे तुम्हारे अलावा और कुछ काम नहीं है क्या? I'm sorry, आज मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, तुमसे तो बात तक करने की फुर्सत नहीं है मेरे पास, फिर कभी। राजा, Thank you.
गए थे। मुझे छोड़कर फिर कभी मत जाना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। आखिर क्या गलती हुई मुझसे? तुम चुप क्यों हो, बोलते क्यों नहीं? क्या कसूर है मेरा? तुम मुझे इसलिए ठुकरा रहे हो कि आज मैं गा नहीं सकती? राजा, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं? क्या तुम्हें सिर्फ मेरे गीतों से प्यार था, मुझसे नहीं? हाँ, मुझे सिर्फ गीतों से ही प्यार है। तुम अपने गीत वापस ले आओ, राजा फिर से तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। राजा, नेहा के साथ इस तरह की बेरुखी का क्या मतलब है? गौरी, नेहा से मैं भी बेइंतहा प्यार करता हूं। उसके बिना मैं जी सकूंगा ये तो मैं सोच भी नहीं सकता। तो फिर ये सब क्या है? कोशिश। कोशिश? नेहा मुझसे इतना प्यार करती है कि मुझे लगता है कि मेरी बेवफाई को प्यार में बदलने के लिए वो फिर से गाने की कोशिश जरूर करेगी, क्योंकि वो जानती है कि मैं उसके गीतों का कितना दीवाना हूं। पर पगले, तू ये क्यों नहीं सोचता कि जिसने तुझे ही अपनी जिंदगी मान लिया है वो इस सब से दुखी होकर कुछ और भी कर सकती है? राजा, जब दिल टूट जाता है ना तो जीने की तमन्ना खत्म हो जाती है। गौरी, ये सब क्या कर दिया भगवान? आप तो जानते ही हैं कि मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ उसके गीत वापस लाने के लिए किया। मैंने तो सिर्फ उसकी खुशियां चाही थी भगवान, और आपने ये सब मेरी वजह से हुआ ना भगवान, तो मेरी जान ले लो, लेकिन मेरे किए की सजा उसे मत दो।
नेहा के बिना राजा जी नहीं पाएगा भगवान। नेहा को ठीक कर दो, मेरी जान ले लो, लेकिन मेरी नेहा को ठीक कर दो भगवान, मेरी नेहा को ठीक कर दो, मेरी नेहा को ठीक कर दो। नहीं बेटे नहीं, भगवान के दिए हुए इस अनमोल जीवन को नष्ट करने का मानव को कोई अधिकार नहीं है। मैंने तुम्हारी सारी व्यथा जान ली है, तुमने तो प्रेम किया है फिर भी प्रेम की शक्ति को नहीं पहचानते। बेटा, इस कमंडल में कैलाश पर्वत के उस सरोवर का जल है जिस पर प्रकृति की विशेष कृपा है। इस जल में तरह तरह की जड़ी बूटियां प्राकृतिक रूप से मिली हुई हैं। भगवान शंकर की कृपा से इस जल ने हजारों लाखों लोगों को ठीक किया है। तुम जल्दी से इसे शंख में डालकर ये जल बालिका को पिलाओ, बाकी सब बाबा विश्वनाथ पर छोड़ दो। देखिए ना, मेरी नेहा के सुर भी वापस आ गए बाबा, उसके सुर भी वापस आ गए। बेटा, ये सब बाबा विश्वनाथ की दया और इस जल के चमत्कार से हुआ है। तुमने मुझे बचाया, क्यों मुझे मर जाने दिया होता? नहीं नेहा, नहीं, ऐसा मत कहो। मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हारे प्यार के सिवा मैंने कभी और कुछ भी नहीं चाहा। मुझे लगता था कि बिना गीतों के तुम कभी भी खुश नहीं रह पाओगी, इसलिए मैं चाहता था कि तुम्हारे सुर वापस लौट आए। तुम फिर से गाने की कोशिश करो, इसलिए ना चाहते हुए भी मैंने तुम्हारे साथ बेवफाई का नाटक किया और तुम्हें बहुत दुख दिए। मुझे माफ कर दो नेहा। इस पर शंका मत करो बेटी, इसका प्रेम सच्चा है। नेहा, भगवान की कृपा और बाबा के आशीर्वाद से आज तुम्हारे सुर फिर से लौट आए हैं। तुम गा सकती हो नेहा, तुम फिर से गा सकती हो। सच राजा?
हाँ मैं फिर से गा सकती हूँ? हाँ नेहा, सच बताओ राजा, मैं फिर से गा सकती हूँ? हाँ नेहा, तुम फिर से गा सकती हो। राजा नेहा। अरे भैया, आखिर तुम चाहत का हो? देखा, नेहा जी की आवाज ठीक हुई गई ना, है? वो तोरे प्यार के सिवा और कुछ नहीं चाहते, और ठीक तुम हो। नहीं पांडे, नहीं, मैं नेहा के दुखों को भूल नहीं सकता। बिना गीतों के उसने कितने दुख झेले हैं, ये तो तुम भी अच्छी तरह जानते हो। अरे लेकिन अब का लेकिन बेकिन कुछ नहीं पांडे, जिसने नेहा को इस हाल तक पहुंचाया था, मैं उसे इसका जवाब देना चाहता हूं। नेहा को फिर से संगीत की दुनिया में उसी ऊंचाई पर पहुंचाकर जहां वो पहले थी, यही मेरा प्रतिशोध होगा उस कमीने के खिलाफ। और जब तक ये हो नहीं जाता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ऐसा बात है तो हम तोरे साथ है, बोला का करे का है? अभी तो सिर्फ इतना ही कि नेहा को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है। और दूसरा ये कि शहर चलने की तैयारी।